ये बालक युवराज रोहिताश्व नहीं है। ये हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं। आप भी कभी राजा थे और राजाओं के छल के विषय में तो जानते होंगे। आपके साथ छल हुआ है राजर्षि, और ये छल करवाया है उस कपटी शनि ने। वो हरिश्चंद्र का परामर्शदाता बन गया। यदि मेरे साथ छल हुआ है तो हरिश्चंद्र के साथ साथ शनि को भी उसका परिणाम भुगतना होगा। और धरती आकाश पाताल में ऐसा कोई नहीं तो मेरे प्रकोप से उन्हें बचा सके। आपको अपने वचन तोड़ने का परिणाम भुगतना होगा। अपने कर्मों का फल लेने के लिए सज्ज है महाराज। अपने पुत्र के लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाने के लिए सज्ज हूं। अब देखना शनि के राहु क्या कर सकता है। केवल विश्वामित्र ही नहीं, हरिश्चंद्र और तुम्हारा भी पतन करूंगा मैं। महादेव ने मृत्यु लोक में पहला कार्य सौंपा है तुम्हें, देखना कैसे तुम्हारे कारण सभी हरिश्चंद्र जैसे महान राजा से घृणा करेंगे और आरोप तुम पर लगेगा और मृत्यु लोक पर राहु का शासन रहेगा। हरिश्चंद्र, तुम्हारा इतना तो साहस राजन कि तुमने मुझसे असत्य कहा। मुझे अपने वचन की पूर्ति चाहिए राजन, मुझे तुम्हारा पुत्र रोहिताश्व चाहिए। क्षमा कर दीजिए मणिवर, मैं अपना पुत्र नहीं दे सकती। नहीं मणिवर, मैं अपना पुत्र नहीं दे सकती मणिवर। जब हम असत्य का सहारा लेते हैं तब वही असत्य हमें आजीवन भयभीत करता है और फिर हमारा संपूर्ण जीवन एक मिथ्या से कहीं अधिक नहीं रह जाता। तुमने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया शनि? यदि मैंने असत्य कहा तो क्या बुरा किया? क्या अपने पुत्र को बलिदान के लिए विश्वामित्र को सौंप देता? सत्य कहना कठिन अवश्य है राजन, परंतु वही सत्य मनुष्य को महानता के पथ पर ले जाता है।
स्वार्थ का मार्ग छोड़ दीजिए। ऐसा स्वार्थ शनि, ये सब मैं स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने पुत्र के लिए कर रहा हूँ। अपनी प्रजा के लिए किया, उनके युवराज की रक्षा के लिए किया। प्रजा से राजा बनता है राजा, राजा से प्रजा नहीं। परंतु फिर भी आप जो कुछ करते हैं दूसरों के लिए, अपनी प्रजा और अपने पुत्र के लिए करते हैं। हाँ, बुराई को छोड़ने का सबसे पहला चरण अपनी बुराई को अनुभव करना होता है राजा। अपने दोषों का ज्ञान परिवर्तन के मार्ग का प्रारंभ होता है। क्या आप सोचते हैं कि आपके इस असत्य के कोई दुष्परिणाम नहीं होंगे? हरिश्चंद्र, 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 रोहित पुत्र, उठो पुत्र, उठो, उठो। हमें नवग्रह सभा की कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। नहीं सूर्यदेव, शनि भी इस समिति का प्रमुख सदस्य है, उसकी अनुपस्थिति में हम यह सभा कैसे आरंभ कर सकते हैं? सूर्यदेव, होने को तो यहां राहु भी उपस्थित नहीं है, तो क्या अब हम उसकी भी प्रतीक्षा करते रहेंगे? सूर्यदेव, आप शनि के पिता हैं, आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि शनि इस समय कहां है। दोबारा उसे मेरा पुत्र कहकर आप करिएगा देवगुरु। मैं नहीं जानता वो कहां है और ना ही मुझे उसके विषय में जानने की कोई रुचि है। सूर्यदेव, परंतु मैं आपको बताता हूं कि आपका पुत्र शनि इस समय कहां है। शनि पृथ्वी लोक पर है सूर्यदेव, और इस समय वो राजा हरिश्चंद्र के साथ है। राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी लोक पर सबसे महान और आदरणीय राजा, परंतु बहुत समय तक महान नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अब उनके साथ शनि है, और जिसके साथ शनि हो उसका तेज, उसका प्रताप और उसका यश अधिक समय तक उसके साथ नहीं रहता सूर्यदेव, और ये तो आप ही मानते हैं। इंद्र, शनि का नाम आदर से लेना सीखो। तुम जानते हो ना कि शनि कर्म फलदाता है, और यदि शनि इस समय राजा हरिश्चंद्र के पास है तो अवश्य इसके पीछे कोई बड़ा प्रयोजन होगा। प्रयोजन है शुक्राचार्य। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी और सूर्यदेव के परम भक्त, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जब बात शनि की हो तो सूर्यदेव सब कुछ भूल जाते। ये सत्य नहीं है इंद्रदेव, और इस विषय में मैं मौन नहीं हूं। इसका प्रमाण आपको बहुत शीघ्र मिल जाएगा देवराज, और मुझे उस पल की प्रतीक्षा रहेगी सूर्यदेव।
समक्ष प्रस्तुत हो इस क्षण। अरे अरे अब हम क्या करेंगे आर्य? ऋषि विश्वामित्र तो बहुत ही क्रोधित लगे, कहीं उन्हें सत्य का ज्ञात तो नहीं हो गया? मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा तारामती, समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनका सामना कैसे करूं। सामना करिए राजन। किसी समस्या का हल करने का सबसे सरल मार्ग होता है उसका सामना करना। आपने भूल की है, उसे स्वीकार कीजिए। मैं आपके सामने उपस्थित हूं ऋषिवर। राजन, तुम्हारा इतना तो साहस, मैंने तुम्हारे पिता त्रिशंकु के लिए क्या नहीं किया? तय शरीर उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए अपना संपूर्ण तप बल लगा दिया, और इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? चल कपट, कुचक्र, षड्यंत्र, विश्वासघात, ऐसा क्यों किया राजन तुमने? दूसरी के संतान को अपना कहकर सौंप दिया मुझे। चल, अपराध किया तुमने, और तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु एक राजा होने के नाते, एक पति और पिता होने के नाते, मुझे मेरी प्रजा और पत्नी के लिए एक विकल्प चुनना था। छल कोई विकल्प नहीं होता राजन, और इस छल का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा मोह तुम्हारा प्रिय पुत्र, इसे खोकर। इसलिए मैं राज ऋषि विश्वामित्र धरती आकाश पाताल को साक्षी मानकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ठहरिए ऋषिवर। मुझे रोकने का दुस्साहस करने वाले तू है कौन? मैं छाया पुत्र शनि। आपके साथ छल हुआ है राजर्षि, और ये छल करवाया है उस कपटी शनि ने। वो हरिश्चंद्र का परामर्शदाता बन गया। शनि तो तू है इस कपटी राजा का परामर्शदाता, और निसंदेह इसने जो छल मेरे साथ किया है तेरे कहने पे किया है। नहीं ऋषिवर, ना ही मैं राजन का मंत्रा हूं, और ना ही इन्होंने मेरे कहने पर कुछ असत्य कहा। हाँ राजन से भूल हुई, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार किया, और एक साधारण मनुष्य भूलवश छल कर सकता है, परंतु एक महान संत का क्रोधित होकर श्राप देना और अपना तपोबल नष्ट कर देना ये उचित नहीं। हे ऋषिवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप राजन को श्राप ना दे। नहीं राज ऋषि, शनि की किसी बात पर ध्यान ना दे, ये आपको भ्रमित कर रहा है। क्यों? मुझे एक कारण बताओ शनि कि मैं इस हरिश्चंद्र को श्राप क्यों ना दूं? बताओ मुझे। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र आपको एक ऐसा वचन देने जा रहे हैं जो कि आज तक संसार में आपको किसी ने नहीं दिया होगा।
राजा हरिश्चंद्र शपथ लेंगे कि अब वो कभी अपने जीवन में असत्य नहीं कहेंगे। अधर्म का आचरण नहीं करेंगे और युगों युगों तक संसार स्मरण रखेगा कि ये वचन राजन ने आपको दिया था और इस वचन के स्मरण के साथ राजा हरिश्चंद्र संसार में सदा के लिए अमर हो जाएंगे। क्या यह सत्य है राजन? क्या तुम ये वचन दे पाओगे? मैं ये राजन, क्या आपको स्मरण नहीं कि आप ही ने कहा था कि आप अपने पुत्र से असीम प्रेम करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर है? तो फिर दीजिए वचन। इस प्रस्ताव के साथ मेरी एक मांग भी, मेरी इच्छा है कि अब से मैं आपका वास्तविकता में परामर्शदाता बन जाऊं। बस तुम्हारा इतना साहस? पहले तुमने मुझे अपने प्रस्ताव में उलझा दिया। तुम मेरे शत्रु हो शनि, और तुम मेरे परामर्शदाता बनना चाहते हो। राजन, प्रस्ताव और मांग दोनों आपके समक्ष, अब आपको स्वीकार करना है कि आप किसे चुनते। अब या तो इन्हें स्वीकार कर लीजिए या अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए। निर्णय आपका है, किंतु मांग सही है। मेरे पास समय नहीं है राजन, मेरा समय नष्ट मत करो। केवल मुझे इतना बता दो कि तुम ये वचन देने में सज्ज हो या नहीं। मैं राजा हरिश्चंद्र, मेरे आराध्य सूर्य देव और महादेव की सौगंध खाकर कहता हूं कि अब मैं आजीवन असत्य नहीं कहूंगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.